सब में एक को देखना ही ज्ञान है। ईश्वर को पाना इतना सरल है यदि हम उन्हें भक्ति के द्वारा खोजें। चाहे हम कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, हमारा मन कभी भी ईश्वर से दूर नहीं भटकना चाहिए। आत्म अनुशासन हमें विवेक का उपयोग करना सिखाता है। इसका केवल इतना ही अर्थ है, हमें जिस समय पर जो करना चाहिए हम वही करें। जब तक हमें अपनी कमजोरी का पता नहीं चलता, तब तक हम उन्हें बदल नहीं सकते। दृढ़ इच्छा शक्ति व आत्मचिंतन से हम उन दोषों को दूर कर सकते हैं। यदि आप दूसरे व्यक्तियों और व्यवहार के प्रति अपनी प्रतिक्रिया का विश्लेषण करेंगे तो आप अपने स्वभाव की बहुत सी अनचाही वृत्तियों को पहचान सकेंगे। पर निंदा से बचना संभाव लाने के लिए शत प्रतिशत प्रयास करना। हम सभी ईश्वर की ही संतान है। भगवान ने कल्याण की सामग्री भी पूरी दी है। अविनाशी परमात्मा भाग्य से नहीं मिलते, प्रयुक्त हमारी लगन से विश्वास से मिलते हैं। लगन का अभाव है, परमात्मा का अभाव नहीं है। भगवान को अपने द्वारा स्वीकार करना है, मन बुद्धि के द्वारा नहीं। अपने द्वारा विश्वास व स्वीकार करने से विस्मृति नहीं होती। विवेक और वैराग्य की आवश्यकता सभी साधनों में है, ऐसे ही विश्वास की आवश्यकता भी सब जगह है। माता पिता आदि को विश्वास से ही मानते हैं। माता पिता आदि को विश्वास से ही मानते हैं। ज्ञान मार्ग में विवेक की और भक्ति योग में विश्वास की प्रधानता है। इसी ज्ञान संभाव साधना से ही हम सभी आनंदित हो सकते हैं। इसी ज्ञान संभाव साधना से ही हम सभी आनंदित हो सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।